इस तरह के जो मान लीजिए जो बुखलाहट में आए हुए घटिया किस्म के अंसर, ये इस कमीनगी पर उतर आए हैं कि कश्मीर की जो जहाँ की फिजा है वो इनको हजम नहीं होती, उसको चैलेंज करना चाहते हैं, लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, इलेक्शन को लेकर आपको बड़ी परेशानी है और इवेंट्स बहुत सारे कराए जा रहे हैं ताकि यूथ ड्रग्स से दूर रहे, लेकिन मुझे एक परेशानी ये भी है कि आज कुपवाड़ा में 4 एसएसपीओ को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ये परेशानी की बात तो है, चिंता की बात तो है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सख्ती से, जिस तेजी से, जिस शिद्दत से ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ काम किया जा रहा है वो समाज की बेहतरी के लिए है, वो लाजमी है, जरूरी है। पुलिस के साथ साथ लोगों को भी खड़े होना है, इस काम को जहीं रोकना नहीं बल्कि बहुत शिद्दत से और आगे बढ़ाना है। इस चैलेंज को भी हम लोगों ने उसी चैलेंज की तरह इसका सामना करना है जैसे दहशतगर्दी की चैलेंज का मुकाबला किया है। एसपीओस की गिरफ्तारी और एक पुलिस कर्मी भी है जो कुपवाड़ा में गिरफ्तार। देखिए, इस तरह की नकलो हरकत में, क्राइम में जो भी शामिल होगा वो किसी भी महकमे से हो, पुलिस से हो, कहीं से हो, किसी तरह का फर्क ना करके उनके खिलाफ वही तरीका अपनाया जाएगा जो बाकियों के लिए है, बल्कि उनके साथ और भी ज्यादा सख्ती की जाएगी। 18th मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जवान बहादुर पुलिस ऑफिसर्स और जवानों को अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में टीमें हिस्सा ले रही हैं, 40 के करीब टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। अभी एग्जीबिशन में जो शुरू होने वाला है, इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स पूरे साल के दौरान की गई, दर्जनों की तादाद में ऐसी इवेंट्स हुई। अभी भी इस वक्त कठुआ में मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उससे पहले भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुई। मैं समझता हूँ कि ये इवेंट्स लोगों को साथ जोड़ करके, नौजवान साथियों को, प्लेयर्स को साथ जोड़ करके जो की जा रही हैं, समाज में अमन और शांति का पैगाम देने के लिए बहुत पायदार साबित होती हैं। जी सर, ड्रग्स को लेकर आपको काफी बड़ी परेशानी है पुलिस के लिए, अगले साल जो ट्रॉफी आने वाला है किस तरह के चैलेंज? इसके बारे में अभी एक हफ्ते के बाद बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साल का लेखा जोखा उसमें करते हैं। मगर मैं इतना कह दूं कि ये साल बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद करते आने वाला साल भी बहुत अच्छा होगा। थ्रेट लेटर्स यहाँ पर जारी की जा रही है, उसमें आज भाजपा के लीडरों के जो थ्रेट लेटर है वो यहाँ पर इजरा की गई है, जबकि कहीं एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर उठाए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये लिस्ट कैसे उन तक पहुँचा और आज यहाँ पर पांचवा जो कंजिकेटिव यहाँ पर ये थ्रेट लेटर है वो जारी किया गया है। देखिए, ये लिस्टें नॉर्मली पब्लिक डोमेन में जब कोई ऑर्डर छपते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, 4 जगहों पे ऑर्डर बांटे जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं से इस तरह का कागज़ आगे पीछे हो जाना को बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर शर्म की बात यह है कि जो इस लेवल तक गिर चुके हैं लोग, जिनको धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, उनको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ का जो सामाजिक भाईचारा, जो आपसी मेलजोल है, आपसी जहाँ का रहन सहन है, उसमें हर किसी के लिए जगह है। और जहाँ जम्मू और कश्मीर के लोग, दोनों जगह के लोग मिलके साथ में रहते हैं, जम्मू और कश्मीर के अलावा ये धरती हर कोने से दुनिया के लोगों को खैर मकदम करती रही है, वेलकम करती रही है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 972825 3663 पर।